गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 9। हमने लास्ट टू मॉड्यूल्स में 1.1 एंड 1.2 टॉपिक क्लियर किया था, साइंस फर्स्ट चैप्टर। नाउ इट्स टर्न टू 1.3, स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वी ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस, बट दिस टाइम वी आर स्टडी इन ब्रीफली। स्टार्टिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। वॉट इज स्टेट्स ऑफ मैटर? ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आपने अपने चारों अलग अलग तरह के मैटर्स देखेंगे। कोई पानी देखा है आपने, पत्थर देखा है आपने, हवा महसूस की है। तो ये सब क्या है? मैटर की टाइप्स है। द वॉटर इज अ डिफरेंट स्टेट्स। इनकी अलग अलग अवस्थाएँ क्या होती है? वी कैन सी दैट मैटर्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स। हम कह सकते हैं कि मैटर जो है वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर्स अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ये स्टेट्स जो मैटर की जो स्टेट्स होती है ये किसके कारण होती है? क्योंकि इनके मैटर और पार्टिकल्स की अलग अलग वेरिएशन के कारण होती है, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन के कारण होती है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब हम क्या करेंगे, डिटेल में इन मैटर्स की स्टडी को पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है द सॉलिड स्टेट। फर्स्ट है था सॉलिड स्टेट, इसको हम ठोस अवस्था भी कहते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 1.9 करके देखते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल, ए पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। आप एक पेन लीजिए, बुक लीजिए, नीडल लीजिए और वुडन स्टिक लीजिए, उसको आपकी नोटबुक के ऊपर रखिए और उसकी पेंसिल उसके चारों ओर घुमा करके देखिए। डू ऑल दीज हैव अ डिफरेंट शेप। क्या सबकी एक जैसी, सबकी शेप अलग अलग है, सबकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट है और सबकी वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स है। तो व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर क्या होगा अगर हम उसके ऊपर थोड़ा मारें, उसको खींचे या उसको हम क्या करें, गिरा दें। तो एज दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इन टू ईच अदर, क्या एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे? नहीं। ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाई अप्लाइंग फोर्स। अगर आप पेंसिल को दबाने की कोशिश करो, पेन को दबाने की कोशिश करो, बुक को दबाने की कोशिश करो, क्या आप दबा पाएंगे? नहीं। ट्राई कंप्रेसिंग बाय द अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस दैम। अगर आप दबाएंगे तो आप उसको दबा भी नहीं पाएंगे। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड के। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव ए डिफाइंड शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम्स। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी डिफाइंड शेप है, इनकी खुद की कोई शेप है, इनकी खुद की कोई बाउंड्रीज है, इनकी वॉल्यूम जो है वो क्या है, फिक्स है। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। आप इसको कितना भी दबाओ ये दबते नहीं है। सॉलिड्स हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जिस सॉलिड्स की क्या होती है, डिफाइंड शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, उनकी खुद की कोई वॉल्यूम होती है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, यानी कि आप बहुत रेयरली ये थोड़ा सा ही अगर दबेंगे तो दबेंगे, अदरवाइज जितने इनको दबाने पर दबते नहीं है। सॉलिड की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन रखता है, कोशिश करता है उसके ऊपर होने वाले फोर्स के, जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगा जाता है तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि अपनी शेप को बनाए रखता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट्स डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। सॉलिड के ऊपर अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओ तो टूट जाता है, लेकिन अपनी शेप को चेंज नहीं करता है। सो दे आर रिजिड, इसीलिए मजबूत होते हैं। अब आई कंसिडर द फॉलोइंग। ए, वॉट अबाउट ए रबर बैंड? अगर आप रबर बैंड की बात करो तो कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड? आप इसको खींचते हो तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो क्या ये सॉलिड है? सेकेंड, वॉट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? चीनी और नमक का क्या? वैन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दी स्टिक द शेप ऑफ द जार। इनको शेप दूसरे जार में रखो तो इनके शेप जार की ले लेते हैं। आर दे सॉलिड? क्या ये भी सॉलिड है? वॉट अबाउट ए स्पंज? एक स्पंज के बारे में सोचें, इट इज ए सॉलिड? यस, वी आर एबल टू कंप्रेस इट। हम इसको स्पंज को दबा सकते हैं, तो क्या ये सॉलिड है? वाई? ऑल द अबव आर सॉलिड, ये सारे ही सॉलिड है। ए रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप वैन। एक रबर बैंड जो होता है वो अपनी शेप चेंज करता है। रबर बैंड चेंज शेप्स अंडर द फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप वैन द फोर्स इज रिमूव्ड। एक रबर बैंड अपनी शेप चेंज करता है जब आप उसको खींचते हो, लेकिन जब आप उसको फोर्स हटा देते हो तो अपनी वापस शेप में आ जाता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। और अगर आप ज़्यादा फोर्स करोगे तो क्या करेगा, टूट जाएगा, इसलिए सॉलिड है। सेकंड, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। चाहे आप चीनी 1 किलो चीनी के डब्बे में डालो, वो उसकी शेप ले लेगा डब्बे की, लेकिन जो चीनी या नमक का जो इंडिविजुअल क्रिस्टल होता है उसकी फिर शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। वेदर वी टेक इट इन अवर हैंड और पुट इन ए प्लेट और इन जार। फिर चाहे उस नमक को आप हाथ में रखो
चाहे आप उसको डब्बे में डालो चाहे आप उसको प्लेट में रखो। स्पंज हैज माइन्यूट होल। एक स्पंज में क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर फंसी हुई होती है। वेन यू प्रेस इट, जब हम इसको दबाते हैं द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, हवा बाहर निकल जाती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसलिए हम उसको दबा पाते हैं। लेकिन ये है क्या, सॉलिड है। अब हम पढ़ेंगे द लिक्विड स्टेट। अब आते हैं द लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था। इसके लिए हम एक्टिविटी 1.10 करके देखते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग, इन चीज़ों को कलेक्ट कीजिए, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, कंटेंट ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप के जार लीजिए। पुट ए 550 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर, उन कंटेनर के ऊपर आप 50 ml का मार्क कर दीजिए। यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी से मेजरिंग सिलेंडर का यूज करके मार्किंग करनी है। व्हाट विल बी हैपन इफ दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, क्या होगा अगर ये लिक्विड आपके फर्श के ऊपर फैल जाए। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाई वन। आप ये 50 ml कोई भी लिक्विड लीजिए 50 ml को और उसको हर कंटेनर में डाल के देखिए। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या वॉल्यूम सेम रहती है। हाँ वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, अगर आप 50 ml लोगे तो आप उसको किसी भी जार में डालो 50 ml ही रहेगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, शेप सेम नहीं रहेगी। अगर आपने रेक्टेंगल शेप का लिया है कंटेनर तो रेक्टेंगल हो जाएगा, सर्किल लिया है तो सर्किल सिलेंड्रिकल लिया है तो सिलेंड्रिकल का हो जाएगा, स्क्वायर लिया है क्यूबिकल लिया है तो क्यूबिकल हो जाएगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, क्या लिक्विड की शेप सेम रहती है। नहीं। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली, हाँ अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी डालते हैं तो आसानी से चला जाता है। वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप बट हैव ए फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो आप उसको चाहे किसी भी बॉटल में डालो, चाहे आप उसको बर्तन में डालो, चाहे आप उसको मटके में डालो, उसकी वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगी। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड, वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें आप उसको रखते हो। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड बहता है और अपनी शेप चेंज कर देता है, सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए वो रिजिड नहीं है। बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूड, इसीलिए हम उन्हें फ्लूड कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5, सादा सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। हमने देखा कि सॉलिड और लिक्विड को आप लिक्विड के अंदर घोल सकते हैं। द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, एटमोस से भी कुछ गैसें हैं जो पानी के अंदर घुल जाती है। दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज जो मेनली है वो कौन सी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक एनिमल एंड प्लांट, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट के रहने के लिए जरूरी होता है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ फॉर सर्वाइवल, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको रहने के लिए सांस लेने के लिए क्या चाहिए, सांस लेना जरूरी होता है। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में रहने वाले जो जानवर हैं वो पानी में घुली ऑक्सीजन का यूज सांस लेने में करते हैं। दस में कैन कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड, इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, लिक्विड के अंदर घुल सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज, रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज हायर देन ऑफ द सॉलिड, जो इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड का, लिक्विड की जो घुलने की प्रवृत्ति होती है सॉलिड से ज़्यादा होती है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इज द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, इसीलिए हम इसी के कारण जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस कम होता है बजाय कि लिक्विड के, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेट द गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ ए गैस, क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि एक बलून सेलर जो होता है वो एक सिलेंडर में से एक इतने सारे बलून भर देता है। इंक्वायरी फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, आप उससे पूछ करके पता करने की कोशिश कीजिए कि एक सिलेंडर से कितने बलून भर सकते हैं। आस्क हिम व्हिच डज ही हैव इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कौन सी गैस भरता है। अब एक्टिविटी 1.11, टेक 300 ml सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक्स एज शोन इन फिगर 1.4। एक 100 ml का सिरिंज लीजिए और उसके नोजल को रबर कॉक से क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, और सिरिंज से पिस्टन को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ द चॉक इन थर्ड, आप एक सिरिंज को छूइए मत, दूसरी सिरिंज में आप पानी भरिए, तीसरी सिरिंज में आप चॉक भरिए। इंसर्ट द पिस्टन बैक इन टू द सिरिंज, आप पिस्टन को वापस लगाइए। अब आप क्या करोगे उसके अंदर इंसर्ट करके उसको आपको अप्लाई करना है वैसलीन टू द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दम, उसके ऊपर आगे वैसलीन लगा देना है
ताकि वो स्मूथ मूवमेंट करें। अब उसको कंप्रेस करने की जरूरत है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन विच केस वॉज द पिस्टन इजिली पुस्टिंग, किसमें भी पिस्टन आज इसी नहीं चला जाएगा, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अब आपने क्या किया, एक में अगर आपने हवा खाली लिया तो उसको आप दबाओगे आसानी से दब जाएगा, जिसमें पानी भरा है उसमें आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जिसमें चोक भरा हुआ है उसको दबाना आपके लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड होते के बजाय और लिक्विड की बजाय गैसें ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। द लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस LPG जो हम घरों में यूज करते हैं सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस, उनके अंदर जो गैस भरी होती है कंप्रेस्ड गैस होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज एज फ्यूल एज दिस डेज, नवर आजकल CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज हाई का फ्यूल की तरह करते हैं व्हीकल्स में, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर ट्रांसपोर्टेड इजीली, ज़्यादा मात्रा में गैस को हाई कंप्रेसिबल करके उसकी वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम को हम एक छोटे से सिलेंडर में भर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। यू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर, हम वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन, हम किचन में आए बिना भी बता सकते हैं कि किचन में क्या पक रहा है, बाय द स्मेल दैट रीचेज अवर नॉस्ट्रिल, क्योंकि उसकी जो सुगंध है वो हमारे नाक तक पहुंच जाती है। हाउ डज द स्मेल रीचेज, स्मेल हमारे तक कहाँ कैसे पहुंचती है, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ द एयर स्प्रेड फ्रॉम किचन रीच अस एंड इवन फार्थर अवे, पार्टिकल्स जो खाने की जो एरोमा के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के पार्टिकल के साथ मिल करके किचन से होते हुए हमारे नाक तक पहुँचते चाहे हम कितने भी दूर हो। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड, जो गर्म खाने की खुशबू हमारे पास सेकेंड्स में आ जाती है कंपेयर दस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड की कंपेयर रेट से गैस की खुशबू हमें बहुत जल्द गर्म खाने की खुशबू हमें सेकेंड्स में मिल जाती है। अगर इसी इस डिफ्यूजन को हम सॉलिड और लिक्विड से चेक करें तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स के हाई स्पीड के कारण उनके बीच में बड़े ज़्यादा स्पेस होने के कारण गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इन अदर गैसेज, जो गैस की जो डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है बहुत ज़्यादा होती है। इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, जो गैसेज के स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड के ऊपर मूव करते हैं, पार्टिकल्स जो है वो हाई स्पीड के ऊपर मूव करते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, उनके इस रैंडम मूवमेंट के कारण द पार्टिकल हिट इज अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को भी धक्का कर देते हैं और कंटेनर की वॉल को भी धक्का करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर पर फोर्स डालते हैं इसीलिए उनको कंटेनर के ऊपर भी वो दबाव डालते हैं, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। इसी के हमने तीन स्टेट्स इस वीडियो में हमने पढ़ी, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। नेक्स्ट वीडियो में हम और अगला टॉपिक पढ़ेंगे 1.4।